हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरत महानगर पालिका भर्ती 2020-21 के बारे में। यहाँ पर पोस्ट है सुपरवाइजर, क्लर्क, पियोन एंड अदर्स, जिनके लिए 10वीं या ITI पास या डिग्री या फिर डिप्लोमा पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करानी होगी। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आप बिना वक्त गवाए। यह भर्ती सूरत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत निकली है। यहाँ पर पोस्ट इस प्रकार है दोस्तों। डेप्यूटी इंजीनियर के लिए एक वैकेंसीज है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए BE सिविल के अंतर्गत और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस या डिप्लोमा सिविल के अंतर्गत और 9 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू या एग्जाम के आधार पर होगा। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 45 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर लास्ट डेट है 19 नवंबर 2020। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जान लेते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के बारे में। एक वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए BE सिविल के अंतर्गत या BTech सिविल के अंतर्गत होना जरूरी है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू या एग्जाम के आधार पर होगा। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 25,000 से 30,000 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 19 नवंबर 2020। सुपरवाइजर सिविल पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर हाइगर क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू या एग्जाम के आधार पर होगा। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 20,000 से 25,000 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखी गई है 19 नवंबर 2020। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। ITI सर्वर सिविल के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन आपका इंटरव्यू या एग्जाम के आधार पर होगा। 33 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 15,000 से 22,000 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 19 नवंबर 2020। डेप्यूटी ग्रेंडर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए MSc और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस या MSc एग्रीकल्चर के अंतर्गत 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इंटरव्यू या एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम एज 45 साल रखी गई है। सैलरी मिलने वाली है 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पर भी लास्ट डेट रखी गई है 19 नवंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, 19 नवंबर 2020 तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए एक वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए BSc हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस या BSc एग्रीकल्चर के अंतर्गत और 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इंटरव्यू या एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। 35 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 20,000 से 25,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है 19 नवंबर 2020। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होना जरूरी है या फिर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत या डिप्लोमा हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के अंतर्गत होना जरूरी है। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। यहाँ पर भी इंटरव्यू या एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 15,000 से 20,000 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 19 नवंबर 2020। अब बात आती है HR हेड पोस्ट के लिए।
इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी निकली है अप्लाई करने के लिए। मैं एजुकेशन में MBA साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 35,000 से 40,000 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 19 नवंबर 2020। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। टाइपिंग भी इंग्लिश या गुजराती के अंतर्गत आपको आनी ज़रूरी है। सिलेक्शन आपका इंट्री या एग्ज़ाम के आधार पर होगा। मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 12,000 से 15,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 19 नवंबर 2020 रखी गई है। पीओन पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। 10वीं के साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ और फिजिकल फिट होना ज़रूरी है। यहाँ पर सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 8,000 से 10,000 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 19 नवंबर 2020 रखी गई है। क्लर्क पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री और साथ ही साथ टाइपिंग इंग्लिश और गुजराती के अंतर्गत 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत होना ज़रूरी है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू या एग्ज़ाम के आधार पर होगा। मैक्सिमम एज 33 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 12,000 से 15,000 रुपये पर मंथ। लास्ट डेट 19 नवंबर 2020 रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए 6 वैकेंसीज है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सिलेक्शन की अगर बात की जाए, सिलेक्शन आपका यहाँ पर फिजिकल मीटिंग क्राइटेरिया के आधार पर होने वाला है। मैक्सिमम एज 33 साल 35 साल रखी गई है। सैलरी आपको मिलने वाली है 8,000 से 10,000 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 19 नवंबर 2020। दोस्तों, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी। दोस्तों, आप इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।